वेलकम टू माई अनदर कुकिंग ब्लॉग। और जो कढ़ाई पनीर की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की थी, उसके साथ में बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि हमें कढ़ाई पनीर मसाले की भी हमें रेसिपी चाहिए। तो वही रेसिपी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। उसकी वजह से जो हमारी कढ़ाई पनीर की सब्जी है बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही शानदार, जानदार और अच्छे से बनती है। तो शुरू करते हैं यहाँ पे कढ़ाई पनीर ड्राई मसाले की रेसिपी। इसके लिए लिए हैं मैंने 3 चम्मच, मैंने लिए हैं जो हमारे साबुत धनिया होता है वो लिया है, 1 चम्मच मैंने जीरा लिया है और 1 चम्मच मैंने ली है सौंफ मतलब फेनल सीड्स, 1 चम्मच ली है मैंने ब्लैक पेपर कॉर्न, साबुत हमारी जो काली मिर्च आती है वो ली है मैंने, और 2 से 3 ली है मैंने इसके अंदर हमारी हरी इलायची, जो हरी इलायची होती है ना छोटे वाली, वो ली है मैंने 2 से 3। और इसी के साथ में ही मैंने यहाँ पे ली है 3 से 4 ली है मैंने, यहाँ पे 3 ली है मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची। तो इनको अब हमें सौते कर लेना है। कढ़ाई पनीर की ऑलरेडी मैं रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसको चेकआउट कीजिए। और बहुत ही शानदार सी सब्जी बनी हुई है, मैंने यूवी के बर्थडे के टाइम में उसको अपडेट किया था। तो उसके साथ में जितने भी मसाले मैंने यहाँ पे यूज़ लिए ना, सारे मैंने टोटली फ्रेश मसाले यूज़ लिए हैं यहाँ पे, घर पे हमने बना के फिर मसाले यूज़ लिए हैं। तो दाल मखनी की जो मसाला है वो भी मैं ऑलरेडी अपडेट कर चुकी हूँ, जितने भी मैंने उस दिन रेसिपीज़ बनाई हैं सारे टोटली मसालों के साथ में बनाई हैं। तो ड्राई मसाले अगर आप लोगों को चाहिए, जैसे ड्राई सब्जी मसाला हुआ है, ड्राई हमारा ये कढ़ाई पनीर मसाला है, दाल मखनी का मसाला भी मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, मैं अपडेट हो चुका है पेज पे, तो वो भी आप देख सकते हो। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए अगर रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। इसी तरीके की यूनिक रेसिपीज़ आप लोगों को मिलती रहेंगी, ताकि आप जो रेगुलर सब्जियाँ हैं वो बाहर से मसाले ना ला के आप घर पर ही उन मसालों को आप बनाइए। तो इस तरीके की रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती रहती हूँ। तो अगर अच्छी लगे रेसिपीज़ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। अब मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है, फ्लेम आप देख सकते हो बिल्कुल हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है, ताकि जो हमारे मसाले हैं इनके अंदर जो हल्का सा मॉइस्चर है वो मॉइस्चर ख़त्म हो जाए, हमें बस वो मॉइस्चर ख़त्म करना है, इतनी देर आपको इसको ड्राई रोस्ट करना है। तो 2 से 3 मिनट के बाद में मैं इसको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारे मसाले तैयार हो चुके हैं, और इसको मैं थोड़ा सा ठंडा कर लेती हूँ अलग से प्लेट में डाल के, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाता है तो फिर मैं आपको इसको पीस के दिखाती हूँ। मसाले हमारे सूख चुके हैं और ठंडे हो चुके हैं, और इसको मैं अभी ग्राइंड कर लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जो मसाला है हमारा वो तैयार हो चुका है, और आप देख सकते हो इसका कलर बहुत ही अच्छा सा कलर आया है और बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। तो ये है हमारा कढ़ाई पनीर मसाला, जो कि बहुत टेस्टी बना है। इससे अगर आप सब्जी बनाओगे ना तो आपकी सब्जी में एक जान आ जाएगी। तो आप लोग भी बनाइए, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए। कढ़ाई पनीर की ऑलरेडी मैं रेसिपी अपडेट कर चुकी हूँ अपने पेज पे, है यूट्यूब पे भी है और फेसबुक पे भी है, तो दोनों जगह है, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। और जब भी आप सब्जी बना रहे हो फ्रेश मसाला अगर आप यूज़ लोगे ना तो आपकी सब्जी में एक अलग ही लेवल की जान आ जाती है। तो ये है हमारा कढ़ाई पनीर मसाला, तो इन्जॉय कीजिए ड्राई मसालों के साथ में। आपको और कौन कौन से मसाले देखने हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, ताकि मैं वो रेसिपी भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। थैंक यू।